वो राम राम नमस्कार। मैं विजेंद्र सिंह प्रेम जुन्नो चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत है, वेलकम। आज आपके लिए खास वीडियो लेके आए हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्लस सुपरवाइजर के लिए। ये भर्ती सिविल एंड एक्समैन दोनों के लिए चल रही है अपने नवलगढ़ तहसील के ग्राम गोटड़ा सीमेंट प्लांट में, जिला झुंझुनू राजस्थान। आज आपके लिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे वन बाय वन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको वहां सर्विस मिलेंगी, क्या सुविधाएं मिलेंगे, आपको क्या काम करना होगा, इसके बारे में पूरी मैं डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे तो लाइक करें, और हाँ, इसको अपने ग्रुप और फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें। कारण कि बहुत से बेरोजगार भाई हैं, उनको जॉब की जरूरत है और वहां तक ये वीडियो हर भाई तक पहुंचना चाहिए। और इस चैनल पे आगे भी मैं ऐसे वीडियो डालता रहूंगा आपको अच्छे अच्छे, तो रिक्वायरमेंट के बारे में आप देखते रहना। सिक्योरिटी गार्ड के लिए और सुपरवाइजर के लिए, इसके अंदर आपको सुपरवाइजर के लिए एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल देता हूं आपको। आपको दो फोटो, आधार कार्ड की दो फोटो कॉपी, क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास 10वीं पास होना आवश्यक है, प्लस जो भी है उन मार्कशीट्स उनकी दो दो फोटो कॉपी, कोरोना वैक्सीनेशन की जो टीका लगा है आपने उस टीका का ई मित्र से सर्टिफिकेट निकलवा के दो कॉपी उसकी, और एसपी का पुलिस वेरिफिकेशन। तो एसपी का पुलिस वेरिफिकेशन बनने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, तो उसको वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ई मित्र से जो रसीद निकलती है उस रसीद की कॉपी साथ में ले आना, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन बनता रहेगा। आप जैसे इंटरव्यू में सिलेक्शन होंगे उसके बाद में आप बनने के बाद में हेड ऑफिस में जमा करवा देना। ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गोठरा ग्राम से सीमेंट प्लांट से आपके जहां आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसकी दूरी 70 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए। यदि 70 किलोमीटर के अंदर अपन आते हैं तो वो लीगल नहीं होगा, वो इंटरव्यू के लिए योग्य नहीं होगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको बताएंगे सैलरी के बारे में और जो कंपनी द्वारा फैसिलिटी जो आपको दी जाएंगी उसके बारे में। तो आपकी ग्रोथ सैलरी होगी 16,000 रुपए, उसमें कट पिट के आपको इन हैंड मिलेगा 11,500 रुपए के समथिंग। आपको इसमें जो चार्जेस कटेंगे वो आपको बता देता हूं क्लियर, कि आपका जो रहना और खाना है वो फ्री रहेगा, जो ग्रोथ सैलरी से कटेगा। पीएफ ईएसआई आपका जो कटेगा वो इसी ग्रोथ सैलरी से कटेगा, और ईएसआई कार्ड जरूर बनवा लेना। ईएसआई से अपने मेडिकल जो सर्विस है वो अपन ले सकते हैं विद फैमिली, तो ईएसआई कार्ड जरूर बनवाएं। पीएफ से अपना पैसा है वो इकट्ठा होता है 1 साल से या 2 साल से, जब भी आप चाहोगे, जब जॉब छोड़ते हो जब चाहोगे, कम से कम 6 महीने तक आपको जॉब करना ही पड़ेगा, 6 महीने बाद ही आप पीएफ निकलवा सकते हैं। तो पीएफ का पैसा भी अपना इकट्ठा ही होता है, और आपको कंपनी द्वारा रहना खाना पीएफ ईएसआई ये सब फ्री, प्लस ड्रेस फ्री रहेगी। ये सारा वैसे ग्रोथ सैलरी से कट पिट के ही आपको मिलते हैं, जैसे 16,000 पे ग्रोथ सैलरी है उसमें कट के आपने 11,500 पे इन हैंड आएंगे। तो ये जो बीच में जो डिफरेंट आ रहा है ये रहना खाना वगैरह सब चार्ज निकल गए उसमें से। तो ये रही आपकी जो फैसिलिटीज हैं कंपनी द्वारा वो है। इसके अंदर आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं, इसमें आप सिविल इंटरव्यू दे सकते हैं, और एक्समैन सर्विसमैन भी, एक्समैन भी इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। सिलेक्शन करना इंटरव्यूअर, जो भी इंटरव्यू लेने वाला कैंडिडेट है उस पर डिपेंड करेगा आपको किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं या करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो आगे का मैटर रहेगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स, ये सर्विस आपको मैंने बता दी है, और यदि आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन जो भी आप चाहेंगे वो मेरे से जो सहयोग होगा वो मैं क्लियर करूंगा आपसे। और ज्यादा से ज्यादा भाई यहाँ पहुंचकर अपना इंटरव्यू दें और जॉब सुनिश्चित करें। यदि आपने
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाला नया वीडियो नया जॉब के साथ में आपको जरूर मिलेगा। इसलिए नए नए जो जो वीडियोज हैं वो यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा आपके पास में, तो सब्सक्राइब कर। अभी जल्दी ही हमारा अगला वीडियो आएगा, वो भी सिक्योरिटी से संबंधित ही आएगा, तो सभी भाई तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।